एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास सिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर भोजन के घटक के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? पहला है खनिज लवण, दूसरा है विटामिन, तीसरा है आहारी रेशे एवं रुच्छांश। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पोषक तत्वों में, भोजन के पोषक तत्वों में शामिल केवल खनिज लवण एवं विटामिन हैं, अतः विकल्प बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरा, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है? चलिए देखते हैं। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, अर्थात इसमें सभी विकल्प सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है अमीनो अम्ल, दूसरा है मंड, तीसरा है शर्करा। उपर्युक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो इसमें जो है अमीनो अम्ल जो होता है वह प्रोटीन का प्रकार होता है, अतः केवल मंड एवं शर्करा ही कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, अतः विकल्प दो और तीन ही सही होंगे। सॉरी, इसमें पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, इसलिए विकल्प पहला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है, बिल्कुल सही बात है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो अर्थात तीनों विकल्प सही हैं। सॉरी, तीसरा विकल्प का रहा है, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा लें और वसा की समान मात्रा लें, दोनों को लेने से सबसे अधिक ऊर्जा हमें वसा से मिलती है, जो कि कथन तीन में कार्बोहाइड्रेट को बता रहा है कि सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, अतः विकल्प बी सही होगा, एक और दो विकल्प ही सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है, इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो अतः एक और दो विकल्प दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है? पहला है, विटामिन ए त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है।
बिल्कुल सही बात है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक नहीं होता है, विटामिन सी होता है जो घाव भरने में सहायता करता है, तो अतः यह विकल्प गलत है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, तो बिल्कुल सही बात है, विटामिन सी जो होता है रोगों से लड़ने में सहायक होता है। लास्ट ऑप्शन D है, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है, तो यह भी विकल्प सही है। अतः इसमें पूछा था कौन सा असत्य कथन है, तो विकल्प B ही असत्य कथन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज अभावजन्य रोग है, तो जो जो है कैल्शियम जो होता है अस्थि क्षय होता है, इससे आयोडीन से घेंघा रोग होता है या गाइटर इसे बोलते हैं, तो जो होता है पूछ रहा है कि खनिज अभावजन्य रोग है, कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय भी होगा, आयोडीन की कमी से गाइटर भी होगा, लेकिन लौह की कमी से दंत क्षय नहीं होता है, अतः विकल्प उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अतः 1 और 2 सुमेलित हैं, अतः विकल्प ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है। तो धीमी वृद्धि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है, तो विटामिन की भी होती है और प्रोटीन की भी होती है, अर्थात इसमें पहला ऑप्शन सही होगा कि विटामिन के कारण। सॉरी, प्रोटीन के कारण शरीर में धीमी वृद्धि होती है।